हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें हेल्दी रहने के लिए पूरे दिन में 50% रॉ और 50% कुक्ड फूड खाना है। तो ये 50% रॉ फूड क्यों खाना है, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है वो शेयर करने जा रही हूँ। हमारे बॉडी को डेली बेसिस पर 30-40 ग्राम्स फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम रॉ फूड से पूरी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमारे बॉडी को राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिंस, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम रॉ फूड से पूरी कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग, जब हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो उनके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन सी लॉस हो जाता है, इसलिए हमें रॉ वेजिटेबल्स को ही डाइट में ऐड करना चाहिए। जिनको IBS कंडीशन है, यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की कंडीशन है या फिर हार्मोनल कंडीशन है, उनको रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, उनको वेजिटेबल्स को स्टीम करके या सॉटे करके ही खाना है। रॉ फूड में सलाड्स भी इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स को सलाड में ऐड करने से सलाड का टेस्ट, टेक्सचर और लुक चेंज हो जाता है, इसलिए हम रोज रोज खाने से उसे बोर भी नहीं होते हैं। आपको रोज रेनबो सलाड खाना है, मींस आपको मिनिमम 5 डिफरेंट कलर के वेजिटेबल सलाड में खाने हैं, क्योंकि इट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू अवर हेल्थ। रेनबो सलाड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिंस, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। सो ईट रेनबो सलाड विथ एवरी मील।